आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू हाउ एक्चुअली एयर रैमिंग वर्क। तो आप देखो क्या होता है, एयर रैमिंग के लिए आप जो बाइक का फ्रंट फेंडर है, जो आपका फ्रंट हिस्सा है, जो फेस है जहाँ पे हेडलाइट्स होते हैं, दिस इज़ द हेडलाइट दिस पोर्शन, और ये जो है एक नीचे ठीक उसके डक्ट पैसेज प्रोवाइड कर दिया गया है। और क्या किया गया, इस डक्ट को एक जो एयर फिल्टर का मेन आउटलेट है जहाँ से एयर फिल्टर एटमॉस्फेयर से एयर लेता है, उस डक्ट को इस डक्ट के साथ जोड़ दिया गया। मतलब बेसिकली ये दोनों चीज़ आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस डक्ट से ये एयर फिल्टर जुड़ गया और इस एयर फिल्टर से जो है आपका इंजन के अंदर हवा पहुँचता है। तो एयर रैमिंग का इफेक्ट क्या होता है, आप देखो रैम मतलब बेसिकली होता है टकराना, ठीक है। तो एयर रैमिंग अगर रैमिंग मतलब टकराना, तो एयर रैमिंग मतलब हवा का टकराना। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में ये होता है कि जो आपका बाइक का फ्रंट हिस्सा है, जो आपकी ऑटोमोबाइल जो भी कार या बाइक है उसका जो फ्रंट हिस्सा है, आप जब चलना शुरू करते हो तो एयर क्या करती है, अपोजिट एंड से आपकी तरफ चलती है, ठीक है। तो क्यों ना हम इस फ्रेश एयर को इंजन के अंदर पहुंचाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा हवा, जितनी डेंस एयर इंजन के अंदर जाएगी, आप उतना ज़्यादा पावर डेवलप कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि जो सामने से हवा आ रही थी, उस हवा को, कुछ हवा को, जो कुछ हवा का हिस्सा है जो इस फेंडर के सामने आएगा, उस एयर को इंजन के अंदर इंड्यूस कराना, यानी हेल्प करना इंजन के अंदर जाने में। तो करते क्या हैं, एक यहाँ पे डक दिया, उस डक में क्या होगा, जब आप स्पीड पे चलोगे या आपकी गाड़ी स्पीड अटेन कर लेगी, तो यहाँ से जो है एयर अंदर जाएगा। अब ये एयर क्या होगा, जितनी ज़्यादा आप स्पीड करोगे उतना तेज़ यहाँ पे एयर पार्टिकल्स टकराएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, रेजोनेंस एनर्जी क्रिएट करेंगे। मतलब एयर पार्टिकल्स, अगर मान लो कि आपने एक दीवार है और बहुत तेज़ हवा चलती है, तो क्या होता है, एयर पार्टिकल्स एक प्रेशर क्रिएट करते हैं इस दीवार पे, और अगर ये दीवार का बेस कमज़ोर होगा तो इस दीवार को ये गिरा देंगे, मतलब दीवार कुछ टेढ़ी हो जाएगी, या आंधियों में जो होता है आपने देखा होगा, आंधियों के वजह से पेड़ टूट जाते हैं। तो होता क्या है, जो विंड एनर्जी है वो बेसिकली क्या कर रही है, एक प्रेशर क्रिएट करती है, बार बार एक प्रेशर एनर्जी क्रिएट कर रही है, जिसके वजह से एक एनर्जी जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। तो इस प्रेशर को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, एयरबॉक्स के अंदर की जो प्रेशर है आप उसको बढ़ा सकते हो। तो इसके अंदर के प्रेशर बढ़ने से क्या होता है एयरबॉक्स के, कि आपके इंजन के अंदर ज़्यादा डेंसिटी वाली एयर जाती है, ज़्यादा डेंस एयर जाती है, जिसके डेंस एयर का मतलब घनत्व। मतलब आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये एक बलून है, एक ये बलून है, इसमें मैंने कम डेंसिटी वाला एयर भर रखा है, तो ठीक है, ये जो डॉट डॉट हैं ये पार्टिकल्स को डिनोट कर रहे हैं, और ये जो बलून है ये मोर डेंसड एयर से भरा हुआ है। इसका मतलब आप देखो, यहाँ पे पार्टिकल्स कितने हैं और यहाँ पे पार्टिकल्स कितने हैं, तो ऑब्वियसली बात है इस एयर में जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा है, यानी कि इस एयर के अंदर एनर्जी जनरेट करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे की जाती है, आप जब यहाँ से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर को इंटर कराओगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बार बार फोर्स करेंगे, यहाँ जो ऑलरेडी एयर प्रेजेंट है वो एक दूसरे को कोलाइड करेंगे या धक्का लगाएंगे, तो इससे क्या होता है कि इनकी डेंसिटी बढ़ती है, यानी अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स जो है उनके बीच वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो अंदर एयर जा रही होती है उसके पास ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं अंदर रिएक्ट करने के लिए, तो इस तरह से आपकी एनर्जी जनरेशन, जो पावर जनरेट करती है इंजन, वो बढ़ जाती है। तो ये होता है एयर रैमिंग। आपने कार्स में भी देखा होगा, अगर मान लो ये आपकी कार है, तो बेसिकली क्या होता है कि ये कार है, तो आपके ये जो ग्रिल्स होते हैं इसके पीछे रेडिएटर होता है, और इसी के ठीक पीछे इनटेक यूनिट भी होती है। तो कार्स में भी एयर रैमिंग यूज़ होता है, जो बड़े बड़े एरोप्लेन्स और जेट होते हैं उसमें भी जो है यूज़ किया जाता है आपका एयर रैमिंग। तो ये है एयर रैमिंग का कॉन्सेप्ट।